गाइस, आज मैं आपको चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी दे रही हूँ। ये यूट्यूब पे मेरा पहली रेसिपी है, तो मैं इसमें आपको बताती हूँ कि इसमें क्या जाएगा। इसमें पानी जाएगा और इसमें चिकन जाएगी और इसमें प्याज और लहसुन अदरक और काली मिर्च और नमक जाएगा। और ये सब डाल के हम इसको चढ़ा देंगे। और दूसरे पैन में मैंने चिकन को कॉर्न को बॉयल होने रख दिया है। और ये जब तक बॉयल होंगे और यखनी भी तैयार होगी तो फिर मैं आपको इस सूप का आगे का प्रोसेस बताऊंगी। बैक गाइस, अब देखें, हमने यखनी रखी थी, अब यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने उसको स्टैंड कर लिया है। स्टैंड करके मैंने इसको बाउल में डाल दिया है। डालने के बाद अब ये देखें, आपके सामने ये चिकन कॉर्न सूप के रखे हुए हैं। इसमें देखें, अब मैं आपको इसके इन्ग्रीडियंट्स बताती हूँ। ये इसमें है जाएगा, ये इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, चिकन कॉर्न, और फिर ये चिली सॉस, वेनेगर और सोया सॉस, चाइनीज सॉल्ट और वाइट पेपर, और ये शेरिड की हुई चिकन है, और ये एक एग है, इसे हमने बीट कर लिया है, और ये कॉर्नफ्लोर को मिक्स करने के लिए हमने एक कप आधा कप पानी लिया है। तो फिर अब आए चले, फिर एक हमने एक अंडा बॉइल करने के लिए रखा है, जो हमें सूप के लिए गार्निशिंग के लिए चाहिए। ओपन करते हैं, बाद लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मेरे घर में तो बहुत कम एग खाते हैं, तो इस वजह से मैंने एक ही लिया है। तो आप लोग जैसे चाहें, आपकी मर्ज़ी है, जितने चाहे डाल लें। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा डाल लें, नहीं करते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं आप। चलें, अब मैं आप ये देखें गाइस, ये यखनी रखी हुई है जो मैंने स्टैंड कर ली है। स्टैंड करने के बाद इसका लुक इस तरह से आया है। देखें ये गाइस, लुक देखें आप, कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लुक। ये यखनी इसकी अभी से इतनी टेस्टी लग रही, जब बनेगा तो पता नहीं कितना टेस्टी होगा। आप लोग देखिएगा और आप इसको ट्राई कीजिएगा तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। इसलिए मैंने सोचा आपको पहले से चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी दे दूं, ताकि आप लोग इसको ट्राई करें और इसके मज़े लें। चलें, अब हम इसके अंदर सबसे पहले विनेगर डालेंगे। ये हम डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। और 3 टेबल स्पून ही हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। और फिर हम पहले से सब चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं डालेंगे, ताकि फिर हम इसको डालने के बाद ना लगा कुछ इसके अंदर, तो हम फिर बाद में डालेंगे। एकदम डालने से देखें गाइस, ये होता है कि कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको कम नहीं कर सकते। अगर कम होगी तो हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप ये कीजिए कि पहले चीज़ कम ऐड कीजिए, फिर उसके बाद अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं तो आप उसको ऐड कर लें, वरना चिली सॉस भी हमने 3 टेबल स्पून डाला है, सोया सॉस भी 3, सिर्फ ये विनेगर जो हमने 4 टेबल स्पून डाला है, ये अब इसके अंदर हम डाल देंगे। ये जो मेन इंग्रेडिएंट जो है कॉर्न, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखेंगे, हमने कॉर्न भी इसमें शामिल, हमने डाल दिया। ये वाइट पेपर है, ये हमने वाइट पेपर 1/2 टीस्पून डाला इसमें। और ये इसमें है, ये है चाइनीज सॉल्ट, इसको भी हमने 1 टीस्पून डाल दिया। इसे भी हमने जो चिकन थी वो डाल देंगे। और मैंने इसके अंदर सादा नमक भी डाला है, क्योंकि उसकी भी थोड़ी सी कमी महसूस होती है चाइनीज सॉल्ट के अलावा। उसमें थोड़ी सी जो आम हमारा रॉक सॉल्ट है, उसकी भी कमी महसूस होती है, तो उसे भी हमें डालना पड़ता है। ये देखें, इसको बॉयल आने दें, इसे 2-3 बॉयल आ जाए। वैसे तो ये तैयार है, इसमें कोई वो नहीं है कि हम इसके अंदर इसको ज़्यादा पकाएं, क्योंकि बस यखनी का सारा काम होता है। यखनी होती है तो बस वो तैयार होता है। फिर देखें, अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स करेंगे। अच्छा, एक ये है कि बाद लोग बहुत गाढ़ा कॉर्न सूप पीना पसंद करते हैं, लेकिन वो बाज़ार वाला मुझे
पसंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं कम ही कॉर्नफ्लोर ऐड करती हूँ। थोड़ा सा मैं पतला रखती हूँ, मैं थिक नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो बहुत थिक ना अच्छा नहीं लगता, और वो जिस तरह गर्म होता है तो वो सही रहता है, जब गर्म होने के बाद वो लेई सा बन जाता है, इसलिए मैं थोड़ा थिन रखूँगी। आप लोग की मर्ज़ी है, अगर आप इसको ज़्यादा थिक बनाना चाहती हैं थिक बनाएं, ज़रा ड्रेनिंग कंसिस्टेंसी रखना चाहती हैं तो वो रखिए। ये देखिए आप, मैं इसको इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊँगी और देखती जाऊँगी कि मुझे जितना थिक चाहिए या जितना रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, तो वो मैं देखती जाऊँगी और फिर ऐड करती जाऊँगी इसके अंदर। ये कितना यमी लग रहा है, देख रहे हैं ना आप इसकी, मैं बस इतनी कंसिस्टेंसी इसकी पतली, इसको इतना पतला रखती हूँ मैं। ज़्यादा मैंने आपको पहले जैसे बताया कि मैं ज़्यादा इसको थिक नहीं करती हूँ, मैं इस तरह की इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी रखती हूँ। ये देखें, ये इतना बहुत अच्छा आराम से, मेरे बच्चे बहुत शौक से पी लेते हैं इसको, ज़्यादा जैसे वो बाहर का है वो इसीलिए पसंद नहीं करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। आप ये एक एक एग ले लें और इसको कट कर लें, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें आप इसको इस तरह, पहले लंबे, फिर इसको स्क्वायर में इस तरह छोटा छोटा कर लें, ताकि मुँह में चंक्स आए ना। देखें इस तरह के चंक्स बनाने हैं आपको, जिसके पीसेस बन गए हैं हमारे, इस तरह से आपने बनाने हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इस तरह बनाएं हम इस तरह बनाएं, नहीं, आप इसको सिंपली जैसे ही कच कच करके बनाते हैं वो भी बनवा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर। गाइस अब इसका जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है एग, और ये हम इसको यूँ डालेंगे चला। हम इसे डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे, डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। अब हम इसको चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम अब इसको बाउल में ट्रांसफर करेंगे। देखें के अंदर गार्निशिंग में थोड़ा सा ये चिली सॉस डालेंगे और ये थोड़ा सा हम सोया सॉस डालेंगे और फिर ऊपर से ये एग को स्प्रिंकल कर देंगे। यमी सा चिकन, गाइस ये हमारा यमी सा चिकन कॉर्न सूप तैयार हो गया है, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, आपको भी पसंद आएगा। मेरे घर में तो बहुत शौक से पीते हैं सब लोग, और आप भी बनाएं और ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा चैनल आगे बढ़े। मैं आपको ऐसी और बहुत सी रेसिपियाँ बताऊँगी, बनाना बताऊँगी, जिससे आप बहुत अच्छे कुक बन सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें आप, और ये है कि आप अगर आप चाहते हैं मैं आपको कुछ और आप मुझसे सीखना चाहते हैं बनाना, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करें कि हमें ये बनाना सिखा दें, तो वो भी मैं आपको सिखा दूँगी। मैं हर किस्म की डिशेस बना सकती हूँ, मुझे हर किस्म की डिशेस बनाना आती हैं। अब मैं बेकिंग भी करती हूँ, मैं चाइनीज़ भी बनाती हूँ, मैं सब बनाती हूँ। बस आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।